गुड मॉर्निंग इंडिया, फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट आज का फास्ट 15। भारत बांग्लादेश सीमा के पास तस्करी को नाकाम करते हुए 3.684 किलोग्राम चांदी के आभूषणों के साथ एक तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जब्त चांदी की अनुमानित कीमत लगभग 1,95,916 रुपए है। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र से अगवा युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को मृतक युवक अपने दोस्त के साथ जॉब के सिलसिले में गया था। इसके बाद उसके अगवा होने की खबर आई थी। आरोपियों की ओर से फिरौती के तौर पर 20 लाख रुपए की मांग की गई थी। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। राम मंदिर निर्माण की बधाई देने पर भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां को मिली दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी। हसीन जहां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले का संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के कोविड केयर सेंटर में लगी भयावह आग, 10 लोगों की मौत। मृतकों के परिवारों को 50 लाख देगी राज्य सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को अंबेडकर नगर में नवनिर्मित 600 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल को 181 करोड़ की लागत से बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के बडगाम भाजपा अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष अब्दुल हमीद नजार को आतंकवादियों ने गोली मार दी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। तिरंगा मास्क की बिक्री पर रोक, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वालों पर होगी कार्रवाई। आत्मनिर्भर इनोवेशन चैलेंज की हेल्थ कैटेगरी में फिटनेस ऐप स्टेप सेट गो बना विजेता। मुकेश अंबानी बने दुनिया के चौथे सबसे रईस, 80 बिलियन डॉलर हुई संपत्ति। हरियाणा के हिसार में होटल में मैनेजर ने अपने साथी के साथ मिलकर विदेश महिला के साथ गैंग रेप को अंजाम दिया। महिला मूल रूप से थाईलैंड की रहने वाली है। मुख्य आरोपी गुलशन को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य आरोपी फरार है। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत गजनी में कार बम हमले में 7 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और अन्य 15 गंभीर रूप से घायल हो गए। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित राजा उल्लातू सोगोद गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक करम मुंडा शराब के नशे में था। इस दौरान पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि करम मुंडा ने घर में रखे कुल्हाड़ी से पत्नी पर वार कर दिया। फेसबुक के जरिए हुई दोस्ती के बाद एक स्कॉटिश महिला ने कोरोना वैक्सीन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करने का ऑर्डर देकर बंगाल के बांकुरा जिले के एक व्यवसायी से 55 लाख रुपए ठग लिए। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। संजय दत्त को सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है, हालांकि उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव पाया गया है। एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज डेंजर्स की एक्ट्रेस नताशा सूरी हुई कोरोना वायरस संक्रमित। विपाशा और करण के साथ नहीं करेंगी प्रमोशन। फिर होगी हमारी मुलाकात फास्ट 15 में। इस चैनल के सभी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन पाने के लिए राइट में बेल बटन को दबाना ना भूलें।